हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर फ्लाइट। आज हम लोग देखने वाले हैं मिसिंग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि मिसिंग नंबर सीरीज का लगभग सारे ही एग्जाम्स के प्रीलिम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स के, 5 नंबर का आता है। लगभग सारे ही शिफ्ट में ये 5 नंबर का मिसिंग नंबर सीरीज आता है। मिसिंग नंबर नहीं रहेगा तो रॉन्ग नंबर सीरीज रहेगा, तो इन दोनों को हम लोग को देखना है। तो पहले तो मैं अगर थोड़ा सा आपसे बेसिक की बात करूं कि मिसिंग नंबर सीरीज होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए मैं एक सीरीज लिखता हूं 4, 8, 12, 16 और अगला नंबर आपसे पूछूं कि अगला नंबर कौन सा होगा, तो आप कहिएगा कि 20 होगा। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि 4 का टेबल चल रहा है। तो इसका लॉजिक क्या है कि हर बार 4 करके नंबर बढ़ रहा है, हर बार +4 का इंक्रीज हो रहा है, यही इसका लॉजिक है, इसलिए अगला नंबर होगा 20। लेकिन कई बार एग्जाम के क्वेश्चन में क्या होगा ना कि आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा। पहली बार में क्वेश्चन को देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका लॉजिक क्या है, तो उसके लिए तरीका यही है कि आप क्या कीजिए कि आप इसका डिफरेंस निकालिए। ठीक है, दो मेथड होता है, एक मेथड होता है हमारा डिफरेंस का और एक मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन का। कोई भी सीरीज आपको यहां पे लिखा हो, अगर आपको उसका लॉजिक समझ में नहीं आता है तो आप क्या करना है, आपको आपको उसका डिफरेंस निकालना है। आप डिफरेंस निकालिएगा, पहली बार डिफरेंस निकालने पर हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। कई बार क्या होगा कि पहली बार निकालने पर समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या कीजिए कि दूसरी बार, दो बार उसका डिफरेंस निकाल दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए लिखता हूँ क्वेश्चन 45, 49, 40, 65, 16 और अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं, तो हो सकता है कि आपको पहली बार में ये देख के समझ में ना आए कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा होगा। लेकिन आप इतना समझिए कि नंबर कोई बहुत ज्यादा नंबर में इंक्रीज नहीं है। तो मैंने आपसे कहा दो ही टाइप के सीरीज होते हैं जनरली, एक तो होता है हमारा डिफरेंस सीरीज जहां हम डिफरेंस निकाल के लॉजिक पकड़ते हैं, और एक होता है मल्टीप्लीकेशन सीरीज, जब नंबर जैसे 5 से स्टार्ट होकर 3000 में चला जाए, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो वहां फिर कुछ मल्टीप्लाई का ट्रिक होता है। आपको नंबर को 5 से 6 से कुछ से मल्टीप्लाई करके फिर वहां हम लोग ट्रिक खोजते हैं। तो ये नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया है, तो इसमें हम लोग पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो 44 से 49 मतलब +4 का इंक्रीज है, 49 से 40 हो गया मतलब -9 है, यहां कितना है तो आपको ये 25 और ये प्लस का 25 है, यहां कितना है तो आपको ये कि 16 और 65, यानी कितना होगा ये, इसमें पहले आप 49 हो जाएगा, है ना, 9 और 6 15 का 5 4 और 1 5 6 49, और ये 49 का डिक्रीज है। तो जैसे ही ये नंबर दिखेगा आपको, तो आपको एक दिमाग में आएगा कि ये होना स्क्वायर है, ये नंबर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का है, ये 7 का है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, मतलब अल्टरनेट पर देखिए 2 से 3 हुआ, 3 से क्या हुआ 5, 5 से 7, तो 2 से 3 में 1 का इंक्रीज, 3 से 5 में 2 का इंक्रीज, 5 से अगर 8 हुआ होता तो मैं समझता कि 1, 2, 3 का इंक्रीज, लेकिन वहां तो 7 है। इसका मतलब आपको एक बात समझ में आएगा कि ये प्राइम नंबर का चल रहा है कि 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ये सब प्राइम नंबर है। तो 7 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, 8, 9, 10 नहीं होगा, 11 होगा, यानी जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, +11 का स्क्वायर यानी 121, है ना। तो इस तरह से आप लॉजिक समझ गए कि इसमें प्राइम नंबर का स्क्वायर करके प्लस माइनस किया जा रहा है, तो अगले नंबर में आप 121 जोड़ दीजिएगा तो ये 137 आपका नंबर आ जाएगा। इसी तरह एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं, फिर हम लोग कुछ एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक नंबर है 15, फिर है 60, फिर है 210, फिर 630, फिर है 1575 और अगला नंबर आपसे पूछ रहा हूं कि अगला नंबर क्या होगा। तो देखिए नंबर स्टार्ट कहां से हुआ, 15 से, और चला कहां गया, 1500 तक, यानी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो इसमें हम कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई का ट्रिक सोचेंगे, तो आपको ये दिखेगा कि 15 से कितने में मल्टीप्लाई करूं, तो आपको ये इंटू 4, ये 60 और इंटू, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा तो इसको छोड़ देता हूं, ये समझ में आ रहा है कि ये कितना है, 21 का 3 टाइम्स है। तो अब आप एक चीज देखिए कि इंटू 4 हुआ फिर इंटू 3 हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि 4 और 3 के बीच 3.5 आता है, तो हो सकता है इंटू 3.5 हो आगे, मतलब हर बार 0.35 से कम होता जाए। तो 60 में अगर पॉइंट इंटू करेंगे 3.5 से तो कितना आएगा, 210 आ भी जाएगा, यानी हमको लॉजिक समझ में आ गया कि हर बार 0.5 का कमी आ रहा है, यानी इसके आगे क्या होगा, तो आप कहेगा इंटू 2.5 हुआ होगा, इसको चेक कीजिएगा तो वही आएगा, तो उसके आगे क्या होगा, तो इंटू 2 होगा,
तो 1575 में इंटू टू कीजिएगा तो 1500 का 2 गुना 3000 और 75 का 2 गुना 150, तो 3150 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे लॉजिक निकलता है। एक बार आप डिफरेंस निकालते हैं अगर नंबर कम ज्यादा इंक्रीज हो, एक बार आप क्या निकालते हैं मल्टीप्लाई करके अगर नंबर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो। तो एक बात जो आपको याद रखना है हमेशा कि अगर नंबर एक बार डिक्रीज कर जाए और फिर इंक्रीज करते जाए तो वो हमेशा ही मल्टीप्लीकेशन सीरीज होता है, यानी उसमें मल्टीप्लाई का ही ट्रिक लगा होगा। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा कि अगर नंबर पहली बार में डिक्रीज हो जाए और फिर इंक्रीज करता जाए तो वो हमेशा ही, उसमें आपको क्या सोचना है, उसमें आपको डिफरेंस नहीं निकालना, उसमें आपको सीधे मल्टीप्लाई का ही कुछ ट्रिक लगाना है कि कुछ ना कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा। तो ये है इसकी बेसिक बातें। अगर आप इसका एक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये जो एक बार नंबर डिक्रीज करने वाला चीज है, तो इसको एक बार देख लीजिए। इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा सीरीज है, फिफ्टीन, फिर एट, फिर नाइन, फिर फिफ्टीन, फिर 32 और अगला नंबर आपसे पूछ रहा हूं, तो बात समझिए। इसमें भले आपको दिखेगा कि नंबर बहुत ज्यादा तो बढ़ने गया है, तो हो सकता है डिफरेंस हो, लेकिन मैंने आपसे भी एक बात कहा कि अगर पहली बार नंबर डिक्रीज हो और फिर इंक्रीज होता जाए तो हमेशा ही उसमें क्या होता है मल्टीप्लीकेशन ट्रिक। तो इसमें हम लोग डिफरेंस तो निकालेंगे भी नहीं, हमको पता है कि ये मल्टीप्लीकेशन ही होगा, तो क्या करेंगे, सोचेंगे कि 8 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाता है, तो इंटू 1 कीजिए प्लस 1 कर दीजिए। तो यहां पीछे 15 से 8 तक जाना है तो 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 7.5 हो जाए, फिर उसमें 0.5 ऐड कर देंगे। तो हमको एक लॉजिक समझ में आ गया कि 0.5 फिर उसमें 0.5 ऐड कर दो, 0.5 का 1 हुआ, ये भी 1 हो गया, तो इसके अगले क्या होगा, हो सकता है सब कुछ में 0.5 बढ़ रहा है तो 1.5 से मल्टीप्लाई हो प्लस 1.5, उसके आगे इंटू 2 प्लस 2, उसके आगे इंटू 2.5 प्लस 2.5, तो 32 में 2.5 करेंगे तो देखिए 32 का 2 टाइम्स 64 और उसमें आधा जोड़ेंगे 32 का तो होगा 16, तो 64 में 16 जोड़िएगा तो कितना आएगा 80 और फिर 2.5 जोड़ दीजिए तो 82.5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए इस तरह से इसके बस यही तीन चार लॉजिक हैं, एक तो डिफरेंस निकालना, एक मल्टीप्लाई पर सेट करना, और एक बात यह हमको पता होना चाहिए कि अगर डिफरेंस एक बार डिक्रीज करके सीरीज आगे बढ़ता है तो हमेशा ही मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इन बेसिक बातों को जानने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चंस देखने में और देखिए एग्जाम में बनाने में एक बात जो मैं आपको कहूंगा वो ये है कि मल्टीप्लीकेशन और ये जो सीरीज है नंबर सीरीज, इसके 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो हो सकता है कि ऐसा हो कि पहला ही क्वेश्चन थोड़ा टफ आ जाए, मतलब उसमें आपको लॉजिक समझ में ना आए। तो आपको क्या करना है ना कि ये नहीं सोचिए कि पहला क्वेश्चन नहीं बना तो अब दूसरा क्वेश्चन भी शायद टफ होगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं होना चाहिए। इसमें कई बार ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा, टाइम लग रहा है क्योंकि 20 मिनट का टाइम होता है प्रीलिम्स में, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस उसको 10 सेकंड में छोड़िए और फिर छोड़ के नए एनर्जी के साथ, बिल्कुल नए एनर्जी के साथ दूसरे क्वेश्चन में हमें जाना है और फिर उसको बनाना है। बिल्कुल ये नहीं सोचना कि पहले नहीं बना तो दूसरा नहीं बनेगा, दूसरा बन जाता है, तीसरा बन जाता है, ऐसा होता है, 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी एक नहीं बनता है, थोड़ा सा उसका लॉजिक वो बाद में बन जाएगा लेकिन वहां पे एग्जाम में टाइम का जो प्रेशर होता है उसमें नहीं बन पाता। तो यहाँ हमें बस यही बात को ध्यान रखना होता है। अभी देखिए रिसेंट में हमने रामनवमी का पर्व मनाया, वहां से आप एक बात सीख सकते हैं, हमारी जो भी पौराणिक कथाएं हैं उनमें जो कैरेक्टर हैं, उनमें जो हमारे जिनको हम भगवान बनाते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब भगवान राम से अगर आपको सीखना हो तो उनके बारे में रामचरितमानस में एक दोहा है कि तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा हरसि चढ़े कौशलपुर भूपा। वो लड़ाई में उनकी पत्नी का किडनैप हो गया है, उनके भाई मूर्छित हैं, फिर भी जब लड़ाई होती है रावण से और वो इंद्र का रथ मंगाते हैं तो हरस ही चढ़े, मतलब बिल्कुल खुशी के साथ उस पर चढ़ते हैं, एक नई एनर्जी के साथ नए चीज को करते हैं। तो यहां से अगर आप ये चीज सीखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में ना पहले क्वेश्चन नहीं बना तो दूसरे क्वेश्चन में बिल्कुल नई एनर्जी चाहिए, तब जाके ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसे देखिए फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां नंबर 32 से कितना हो गया
2048 तक। तो अगर 32 से 2048 हो जा रहा है नंबर, तो इसका मतलब आप समझेंगे कि इसमें हो ना हो कुछ मल्टीप्लाई का ट्रिक तो लगना है। तो हम लोग लगाते हैं मल्टीप्लाई का ट्रिक। देखिए 32 था, फिर आगे नहीं पता है, उसके बाद क्या हुआ है 1024, फिर क्या हुआ है 2048, और फिर क्या हुआ है 2048। तो अगर आप कुछ मल्टीप्लाई का ट्रिक लगाएंगे तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यहां से ये कितना है, इंटू टू है, इसका टू टाइम्स है, ये कितना है तो इंटू वन है। तो अगर ये इंटू टू हुआ, ये वन टू वन हुआ, तो हो सकता है कि इसके पीछे क्या हो, दो चीज हो सकता है यहां पर। देखिए यहां से यहां मल्टीप्लाई हुआ होगा, फिर यहां से यहां मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये वन है टू है, तो हो सकता है यहां पे इंटू थ्री हो और इंटू फोर हो, है ना। लेकिन आप एक बात सोचिए कि जब आप 32 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप 32 में 4 से यानी 120, 128, और 128 में 3 से कीजिएगा तो क्या वो 1024 आएगा, आप कहिएगा नहीं आएगा, यानी यहां पर ये लॉजिक 3-4 वाला नहीं सेट किया। तो इसको एक बार हम ट्रिक चेक करेंगे, नहीं हुआ छोड़ देंगे। अगला क्या हो सकता है कि 1 का डबल 2 है, तो 2 का डबल क्या हो, इंटू 4 हो, और इंटू 4 का डबल क्या हो, इंटू 8 हो। तो एक बार इस पे हमको चेक करना पड़ेगा कि 32 इंटू 8 करते हैं फिर इंटू 4 करते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो देखिए इसको आप कीजिए 32 इंटू 8 करिए और फिर इंटू 4 करके चेक करने का कोशिश करिए कि क्या होता है। तो देखिए 32 इंटू 8 करिएगा तो 8 टू जा 16 का 6, 1 बचा, और 8 थ्री जा 24 और 1 25, 256 आएगा। 256 में जब इंटू 4 कीजिएगा तो 1024 आ जाएगा, क्योंकि 250 का 4 गुना होता है 1000 और 6 का 4 गुना 24 होता है, यानी यहां पर ये लॉजिक सेट हो गया। तो ये नंबर क्या होगा 256, 32 इंटू 8, फिर इंटू 4, इंटू 2, इंटू 1। तो इस तरह से हमने लॉजिक निकाल लिया। तो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए अभी मैंने आपसे एक बात कहा कि जब भी ऐसा हो कि सीरीज इस प्रकार से हो कि वो एक बार डिक्रीज करे और फिर इंक्रीज करता जाए, 10.5 के बाद क्या है 23 और फिर है क्वेश्चन मार्क। तो जब भी सीरीज एक बार डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करता जाए तो हमें क्या लगाना है, मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए यहां क्या लगाएंगे, हमें दिख रहा है ये क्या है, इंटू 1 प्लस 1, यहां क्या है तो आप कहिएगा इंटू 0.5 है और इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए। 9 में आप 0.5 मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 4.5, इसमें 0.5 ऐड कर देंगे। तो जैसे ही 0.5 ऐड करेंगे 4.5 में तो वो 5 आ जाएगा, 5 से इंटू 1 प्लस 1 6। तो अगला क्या होगा, 0.5 1, तो अगला होना चाहिए 1.5 प्लस 1.5, इंटू करो 1.5 से तो कितना आ जाएगा 9, और उसमें 1.5 जोड़ दो तो आ जाएगा 10.5। उसके अगला क्या होगा, इंटू 2 प्लस 2, तो उसके आगे क्या होगा तो आप कहिएगा इंटू 2.5 कीजिए और उसमें जोड़ दीजिए 2.5। तो देखिए 23 में जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 23 का डबल निकाल लीजिए 46, और उसमें 23 का आधा कितना होगा तो आप कहिएगा 11.5, क्योंकि 11.5 23 का आधा होगा, तो 46 और 11.5, तो 46 में आप 11 जोड़िएगा तो 57, और 57.5 आएगा, तो 57.5 प्लस 2.5 तो ये 58, 60 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा 60, आंसर क्या होगा 60 यानी 5। तो देखिए इस तरह से हम लॉजिक समझ सकते हैं, लॉजिक निकल गया, आंसर निकल गया। फिर अब अगला सवाल देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखा जाए। फाइव सिक्स एट 30, 136, फाइव सिक्स एट 30 और है 136। तो बताइए, मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम देता हूं, आप लोग सोचिए, अगर आप बना पाए स्क्रीन पॉज करके इसको देखिए
क्या है कि अगर आप खुद से बनाइएगा तो आपका इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसमें आप बताइए कि नंबर 5 से 136 हो गया है, तो क्या तो हम डिफरेंस निकाल सकते हैं या फिर कुछ मल्टीप्लाई का भी कर सकते हैं, है ना? यही दो चीजें कर सकते हैं। तो बताइए मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई से सोचूं कि इसको मैं सोचूं डिफरेंस से? तो मुझे लग रहा है कि 5 से 136 हो गया, तो कुछ मल्टीप्लाई का ट्रिक होगा, तो एक बार चेक करते हैं। 5 से अगर 6 जाना है तो क्या करना होगा, (1+1)। 5 + 5 + 1 6 हो जाएगा। फिर 6 से अगर मुझे 8 जाना है तो क्या करना होगा, (1+2)। ये भी हो सकता है ना? फिर उसके आगे लेकिन क्या होगा, (4) हो जाएगा और (-2) होगा। अगर मैं यहां (4) - 2 लिख दूं तो क्या मैं लॉजिक निकाल पा रहा हूं? आप कहिएगा नहीं, इसमें तो कोई लॉजिक सेट नहीं हो रहा है ना, (1+1)(1+2)(4) हो गया, तो इसमें लॉजिक नहीं मिल रहा है। तो अगर ये लॉजिक नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना होगा, हमें फिर से सोचना होगा। कि और मैं इसमें क्या कर सकता हूं, तो बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन में पहला लॉजिक तो हमारा सेट नहीं हुआ। अगर हम डिफरेंस निकाले तो पहले 1 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर यहां पे कितने का डिफरेंस होगा, 22 का, तो फिर इसमें भी कोई लिंक नहीं आएगा, है ना? तो और हम क्या कर सकते हैं, देखिए, 5 × देखिए, एक तो लॉजिक ही आ सकता है कि 5 × 2 करें और माइनस कर दें, 5 × 2 = 10 - 4, 6 × 2 = 12 - 4 × 2 - 4, लेकिन 2 तो मिला, फिर तीसरा लेकिन ऐसा नहीं होगा, (2) और माइनस, ये 8 × 2 कितना होगा, 16, 16 में से - 2 करेंगे तो आएगा 14। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा वो मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये लॉजिक पर सेट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसके अगला क्या होगा, 8 × 2 = 16 - 4, 16 में से 4 जाएगा 12, है ना? फिर 12 × 2 = 24 - 4 = 20। तो इस तरह से ये सीरीज होना चाहिए। यहाँ पे सीरीज में क्या है कि इसमें लॉजिक आप नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि वो सेट नहीं हो रहा है। इसमें आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा, इसमें लॉजिक आपका सेट नहीं होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो अब हम लोग अगला चलते हैं, इस टाइप का कुछ सीरीज ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे ध्यान से देखिए। टू है, 17 है, फिर क्या है, 89, 359, फिर है 1079, और फिर है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसको अगर मुझे बनाना है तो मैं इतना तो समझता हूं कि ये मल्टीप्लाई पे जाएगा, है ना? क्योंकि (2) से इतना बड़ा हो गया, तो मल्टीप्लाई पे सोचेंगे तो पहले देखिए यहां दिख रहा है मुझे कि 17 का (5) है, 17 × 5 कितना होगा, 85, और उसमें प्लस है 4। तो अगर ये (5 + 4) है तो इसको फिर उसी हिसाब से सोचिए कि (2 × 6) करूंगा +5, मतलब एक ट्रेंड आना चाहिए ना। इसको मैं (2 × 18 + 1) भी लिख देता, लेकिन ये 5 + 4 है तो ये 6 + 5 होगा, तो एक ट्रेंड मिलेगा, इसलिए (2 × 6) = 12 और +5 = 17। अब आगे देखना है तो (6 + 5) (5 + 4) अगला क्या होगा, तो आप कहिएगा (4 + 3) होगा।
देखिए ये 90 इंटू 4 होता है 360, और उसमें से माइनस 4 कर देंगे क्योंकि ये कम है, तो आ जाएगा 356 और उसमें प्लस 3 मतलब 359। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 654, तो अगला होगा इंटू 3 प्लस 2, तो उसके अगला क्या होगा इंटू 2 प्लस 1, तो 1079 में इंटू 2 कीजिएगा तो 1080, इसको समझिए तो ये कितना आएगा 2160 में से 2 कम मतलब 2158, और प्लस 1 कर देंगे तो 2159, यानी इसका ऑप्शन होगा 2159 ऑप्शन 4। तो इस तरह से हम लॉजिक निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपने देखा, मुझे लगा कि ये क्या है, इसमें नंबर इतना ज्यादा इंक्रीज कर गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई का ट्रिक होगा। फिर मैंने मल्टीप्लाई पे यहां देखा इंटू 5 प्लस 4 है, तो इस हिसाब से इसको भी तोड़ने का कोशिश किया और फिर एक ट्रेंड मिल गया, और ट्रेंड मिलते ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन 4.5, फिर है 5.5, फिर है 12, 49 और फिर है क्वेश्चन मार्क। तो बताइए इसमें मैं क्या करूं, 7 4.5 हुआ, 5.5 हुआ, 12, फिर 49। आपसे मैंने अभी अभी एक बात कहा है, और देखिए ये एग्जाम में भी बार बार रिपीट होता है ये वाला जो बात है, कि पहले बार अगर नंबर डिक्रीज कर जाए और फिर इंक्रीज करता जाए तो हमेशा ही उसमें क्या होगा, उसमें हमेशा ही होगा मल्टीप्लीकेशन। तो यहां भी हम लोग मल्टीप्लीकेशन का वाला ही सोचेंगे, कि इसमें 0.5 से कीजिए ये 3.5 हो जाएगा, प्लस 1 कर दीजिए, इसमें इंटू 1 कीजिए फिर प्लस 1 कर दीजिए, 4.5 इंटू 1 4.5 प्लस 1 5.5, इसके आगे क्या होगा तो आपको देखिए 0.5 हो गया, उसका डबल 1 हो गया, तो 1 का डबल 2, तो 5.5 इंटू 2 11 प्लस 1, 2 का डबल कितना होता है 4, यानी इंटू 4 प्लस 1, तो 12 हो जाए 48 प्लस 1 49। तो 4 का डबल क्या होगा, देखिए हर बार जो मल्टीप्लाई है वो हर बार क्या हो रहा है, डबल हो रहा है 0.5 1 2 4, तो फिर 8 होगा, यानी इंटू 8 प्लस 1, तो 49 में 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको 50 समझिए, 50 माइनस 1 है, तो 50 इंटू 8 कितना होगा 400, उसमें से चूंकि एक कम था 50 से, तो 8 कम कर दीजिए 400 में से, तो 400 में से अगर आप 8 कम कर देंगे तो आएगा 392, और इसमें प्लस 1 कर दीजिएगा तो 393, यानी ऑप्शन होगा इसका 393, पहला वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट वो सही होगा। तो देखिए बहुत कुछ है नहीं, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, इसका लॉजिक निकल जाता है आसानी से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 7 से 7, फिर 13 37, इसे आप लोग ट्राई कीजिए पहले थोड़ा सा। 7 फिर क्या हुआ 7 13 37 97, और फिर है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, क्या हो सकता है हमारा लॉजिक, यहां आप बताइए कि नंबर इसमें क्या मैं मल्टीप्लाई से सोचूं कि डिफरेंस से सोचूं। आप ये कि 7 से 7 हुआ तो इंटू 1 फिर इंटू 2 माइनस 1, कुछ हो सकता है, एक बार मल्टीप्लाई से सोचने का कोशिश करते हैं, कि पहले तो हुआ इंटू 1 लेकिन इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ इंटू 2 माइनस 1, इसमें क्या हुआ इंटू 3 13 3 क्या होता है 39 माइनस 2, तो देखिए इंटू 1 माइनस 0 कह सकते हैं, इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, तो एक तो लॉजिक मिलते जा रहा है, एक लॉजिक है ना 1 2 3, इस तरह से जब सेट हो जाए तो इसको लॉजिक बोलते हैं। तो अगला क्या होगा, हो सकता है कि अगला 1 हुआ 2 हुआ 3, तो अगला इंटू 4 हो और माइनस 3 हो, तो क्या ये इंटू 4 माइनस 3 है, तो आप देखिएगा 37 मतलब 40 इंटू 4 160, 150 के करीब जाएगा, और माइनस 3 होगा तो ये 97 तो नहीं आएगा, यानी ये लॉजिक मेरा काम नहीं किया। देखिए कई बार ऐसा होगा एग्जाम में भी कि आप पहले एक लॉजिक निकालने जाएंगे और उस पर जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो होगा ये कि वो उस तरह से सेट होगा नहीं, तो जब उस तरह से नहीं सेट होगा तो आप क्या कीजिएगा, आपको क्या करना है, अब इसको भूल के फिर दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा,
इस तरह से सेट नहीं हुआ। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं कि चलिए एक बार डिफरेंस निकाला जाए। तो यहाँ पे है डिफरेंस जीरो का, यहाँ सेवन और थर्टीन में कितने का डिफरेंस है, तो आपके सिक्स का, यहाँ है ट्वेंटी का, यहाँ कितना है तो 37 और 97 यानी थ्री मतलब 60 का। तो देखिए क्या अब आप समझ पा रहे हैं कुछ ये नंबर देख के, 0, 6, 20, 60। हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो कि 0 से 6 हुआ, अगर इसका मैं डबल डिफरेंस फिर से एक बार डिफरेंस निकालूं तो क्या कुछ समझ में आएगा। 0 से 6 में 6, यहां 14, यहां 40, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे एक आता है एक्सपीरियंस का। देखिए आप जितना क्वेश्चन बनाते जाइएगा नंबर सीरीज का, आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा। वो एक्सपीरियंस ये है कि आपको कुछ नंबर्स देख के उनके बारे में समझना पड़ेगा। जैसे वो क्या है बात, ये अगर आप दिख रहा है 6, ये दिख रहा है 20, तो जब आप बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी एक चीज दिखेगा कि 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब माइनस 2। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 माइनस 2 6। ये क्या है, 1 का क्यूब माइनस 1। ये क्या 3 का क्यूब माइनस 3 है, नहीं है, 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 का, देखिए 3 का क्यूब, सॉरी यहां पे तो 13 से 37 में कितना होगा 24 है, तो 3 का क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना 27 माइनस 3 तो 24। अगला क्या है, 4 का क्यूब माइनस 4, देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64 और माइनस 4 कीजिएगा तो 60। तो इस तरह से जब नंबर 0, 6, 24 दिखे तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3 लिखा है। ये है ना कि आप जब बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा। जब आप कभी देखिएगा 0, 6, 24 तो आपको अभी ये क्लिक करना चाहिए कि ये चीजें क्या होती हैं, इस तरह से होती हैं, 3 का क्यूब माइनस 3 होता है, ये 64 का क्यूब माइनस 4 होता है। तो अगर ये लॉजिक है तो इसके अगला क्या होगा, 5 का क्यूब माइनस 5, 5 का क्यूब होता है 125, उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 120 आएगा। तो 97 में आप क्या कीजिए, 120 ऐड कर दीजिए, तो 120 97, तो पहले 80 ऐड हो जाएगा तो 200 और फिर वहां से 17 यानी 217। तो 217 इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। तो देखिए इस तरह से हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कह रहा है 120 58 134 286। वन ट्वेंटी फिफ्टी एट वन थर्टी फोर और है 286। तो देखिए यहां मुझे अगर लॉजिक निकालना है तो मैं क्या क्या कर सकता हूं। पहला तो ये कि 1 से नंबर 286 तक चला गया है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई का ट्रिक लगना चाहिए। तो वो मल्टीप्लाई क्या ट्रिक लगेगा, तो उसको निकालने का तरीका ये होता है ना कि आप लास्ट से, अगर पहले देखिए पहले तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, 1 से 20 भी है, 1 इंटू 15 प्लस 5 भी होगा, बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो जाएगा। तो आप लास्ट से थोड़ा चेक कीजिए, पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा कि अगर ये मल्टीप्लाई का ट्रिक है, इसमें मल्टीप्लाई का लॉजिक लगने वाला है, तो 134 से 286 लाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप कहिएगा कि इंटू 2 कीजिए, तो देखिए 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, मतलब 268 आएगा। 268 से मुझे 286 जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले 2 जोड़ूंगा तो 70 यानी प्लस 18 करना होगा। इंटू 2 किया प्लस 18 किया तो ये आ गया। तो पीछे चेक करता हूं कि अब यहां पे क्या होगा, तो यहां भी इंटू 2 कीजिए तो 60 इंटू 2 120, लेकिन 2 कम है 60 से तो 4 कम हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो 120 माइनस 4 मतलब 116, तो 116 आएगा। और 116 से 134 जाना है तो प्लस करना होगा 18 यानी इंटू 2 प्लस 18 है। यहां देखिए तो यहां भी क्या है, इंटू 2 प्लस 18, यहां क्या है इंटू 2 प्लस 18, देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने लॉजिक निकाल लिया कि लॉजिक क्या है, इंटू 2 प्लस 18, आपको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 18 ऐड कर देना है। तो अगर यही काम करेंगे तो 286 के बाद जो होगा वो क्या होगा, इंटू 2 प्लस 18, 2 6 12 का 2 और
16 और 1, 16 ओवर 17 का 7, 2 2 जा 4 और 1 5, 72 प्लस 18, इसमें 8 जोड़ेंगे 80, 90, 590 हो जाएगा मेरा आंसर, 590 यानी ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप जितना क्वेश्चन इसमें बनाते जाइएगा, जितना आप इसमें प्रैक्टिस करते जाइएगा, आप उसमें उतना ही अच्छा होते जाइएगा। इसका एक ही तरीका है कि आप देखिए, दो ही इसमें कंसेप्ट है, एक तो मल्टीप्लाई और एक डिफरेंस निकालना, और इस पर प्रैक्टिस करते जाइए क्वेश्चन का, आप अच्छे होते जाइएगा। तो ये हमारा 2, 5, 17, 50, 122 और फिर है क्वेश्चन मार्क। तो बताइए, आप लोग सोचिए इसमें मैं क्या लॉजिक लगाऊं। क्या आप सोच पा रहे हैं इसमें क्या हम लॉजिक लगा सकते हैं? देखिए, हो सकता है कि मल्टीप्लाई हो, तो अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 50 से 122 यानी क्या करना होगा, इंटू 2 प्लस 22, यहां क्या करना होगा, 17 से अगर मैं दो बार करूं तो 34, और 34 में कितना जोड़ना होगा, 16 प्लस 16, ये कितना है, इंटू 2 प्लस 7, तो 7, 7 से 16, 16 से 22, कुछ एक लॉजिक नहीं मिल रहा। देखिए इस तरह से मैंने किया लेकिन इसमें कुछ लॉजिक नहीं मिला, यहाँ क्या करूँगा, इंटू 2 प्लस 1, 1 से 7 यानी कितना बढ़ा, 6, 7 से 16, 9 बढ़ गया, 16 से 22 तो फिर 7, तो कोई लॉजिक नहीं है। अगर इसमें लॉजिक नहीं मिला तो इसको फिर मुझे मिटाना होगा और फिर दूसरे तरीके से सोचना होगा। देखिए ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि पहली बार में आपको लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप करिए क्या कि अगर मल्टीप्लाई पर नहीं सेट हुआ तो डिफरेंस निकालिए, तो 2 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, 3, 5 और 17 का आप ये 12, 17 और 50 का तो इसमें 3 जोड़ेंगे और फिर 33, यहां से आएगा 72। अब देखिए 3, 12, 33, 72, इसमें अगर आप फिर से डिफरेंस निकालेंगे तो कुछ लॉजिक नहीं निकलेगा, लेकिन यह है ना कि नंबर्स को आप पहचानना पड़ेगा कि 3 क्या है, 12 क्या है, 33 क्या है, इसको पहचानना पड़ता है। जब आप इसको थोड़ा सा पहचानने लगेंगे प्रैक्टिस करके, तब आपसे ये बनेगा कि 3, 12, 33, 72 को हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप सोचिए इसको कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए ये जो 3 है इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 1 का क्यूब प्लस 2, 1 का क्यूब प्लस 2 है ना, इसी तरह जो आगे है ये 12 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब प्लस 4, 1 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब प्लस 4, इसके आगे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 हो गया 3 का क्यूब है ना, प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस 6। तो देखिए यहां से एक लॉजिक आपको समझ में आएगा, ये 1 का क्यूब प्लस 2 है, ये 2 का क्यूब प्लस 4 है, ये 3 का क्यूब प्लस 6 है, तो अगला क्या होना चाहिए, 1 2 3, तो ये होगा 4 का क्यूब प्लस 8, 4 का क्यूब 64 और 8 जोड़ेंगे तो 72, तो उसके आगे क्या होगा, तो ये जो नंबर होगा यहां पर जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 5 का क्यूब प्लस 10 का होगा ना, 1 का क्यूब प्लस 2, 2 3 4 5 का क्यूब प्लस 10, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 125 में जब आप 10 जोड़ दीजिएगा तो 135 हो जाएगा, यानी 122 में आपको क्या ऐड करना है, 135, तो 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 1 और 1 2 यानी आंसर होगा 257 जो कि ऑप्शन है 3। तो इन पर आप खास प्रैक्टिस कीजिए, देखिए 3, 12, 33 अगर आगे से दिखे तो आप क्या कीजिए, इसको ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि 1 का क्यूब प्लस 2 है, 2 का क्यूब प्लस 4 है,
तो कुछ चीजें हमें क्या है ना कि इसमें थोड़ा सा याद रख लेनी पड़ती है कि ऐसे अगर कभी नंबर्स दिख जाए तो इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ। और कई बार तो ऐसा डिफरेंस निकाल के, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं, डिफरेंस निकालिए या फिर डायरेक्ट आपको मल्टीप्लीकेशन दिखेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है 68। सिक्सटी एट 117, 61, फिर आता है 124, फिर क्या है 54, और फिर है क्वेश्चन मार्क। तो इसको पहले आप थोड़ा सा सोचिए, फिर हम लोग बनाते हैं। 68, 117, 68। देखिए, अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा तो आपको एक चीज दिखेगा कि 68 और 61 में कितने का डिफरेंस है, तो -7 का। 117 और 124 में कितने का है, तो 3 और 4 7, मतलब +7। अल्टरनेट वाला मतलब 68 से 61 में रिलेशन है, 117 से 124 में रिलेशन है, फिर 61 से 54 में कितना है, तो 6 और 1 7, माइनस का 7। तो इस तरह से अगर हम चले तो ये 124 का नेक्स्ट यहां पे आएगा, तो उसमें कितना हो जाएगा +7, क्योंकि नीचे +7 हो रहा है। तो 124 +7 कितना होगा, 131, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 131। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज, जब अल्टरनेट नंबर में रिलेशन हो। ठीक है, इसको आप अगर ट्राई करें नॉर्मली बनाने का तो देखिए क्या होगा। इस तरह से तो हमने अल्टरनेट से रिश्ता निकाल लिया। अगर मान लीजिए आपको अल्टरनेट समझ में ना आए और आप नॉर्मल डिफरेंस निकालने लगे तो देखिए क्या होगा। आप क्या कीजिएगा कि 68 और 117 में डिफरेंस निकालिएगा, तो 68 में पहले 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, मतलब 32, और यहां से 17, तो 32 में 7 जोड़ दीजिए तो 39, और फिर 10 मतलब 49। यहां से कितने का डिफरेंस है, 49 का, है ना। ये 32 और 17, 32 और 7, 39 और 49। ठीक है, फिर यहां से यहां का कितना डिफरेंस है, देखिए ये प्लस हुआ, ये 117, तो 7 में से बन जाएगा 6, और 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ 56 है, 49 यहाँ पे माइनस का हो गया 56। यहां से यहां निकालेंगे तो देखिए 4 में से 1 जाएगा 3, और 12 में से 6 जाएगा 6, और ये प्लस है। फिर यहां से यहां का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 में से 4 जाएगा 0, और 12 में से 5 जाएगा 7, 70। तो प्लस माइनस प्लस, और ये भी माइनस है। तो देखिए आपको एक फिर से दिखेगा, ये 7 का टेबल है, 7 का 7 टाइम्स 49, 8 टाइम्स 56, 9 टाइम्स 63, 10 टाइम्स 70। तो इसके अगला क्या होगा, 7 का 11 टाइम्स यानी 77। तो 54 में अगर 77 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो अगला प्लस होगा, तो 54 में 77 ऐड कर दीजिए, तो 7 और 4 11 का 1, 7 और 5 12 और 1 30, तो इस तरह से भी 131 आ जाएगा। तो देखिए डिफरेंस सही बना सकते थे, और अल्टरनेट अगर देख लिया तो जल्दी बन जाएगा। तो नंबर सीरीज के कुछ ये क्वेश्चन थे, और हम अगले वीडियो में रॉन्ग नंबर सीरीज लेके आएंगे। आप इन पर प्रैक्टिस करते रहिए। दो ही लॉजिक होता है, डिफरेंस निकालना और एक होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन। कुछ चीजें स्पेशल होती है, जैसे कुछ नंबर्स ऐसे थे जहां हमको पता होना चाहिए कि ये 1 का क्यूब +2 है, ये 2 का क्यूब -2 है। इस तरह से कुछ नंबर्स पे आपको जब बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद से पकड़ आ जाएगा कि हाँ ये चीज होता है। तो हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है। तो अब आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।